हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया और मैंने कहा था हीमोफीलिया एज वेल एज थैलेसीमिया, ये तीनों ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है। दो हीमोफीलिया जो है वो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, जबकि सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया ये दोनों ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, जो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द म्यूटेशन। और म्यूटेशन भी कैसा वाला, पॉइंट म्यूटेशन। तो अब जो पॉइंट म्यूटेशन होता है, यानी कि ओनली सिंगल नाइट्रोजनस बेस पेयर गेट सब्स्टिट्यूटेड, और सिंगल नाइट्रोजनस बेस पेयर में कौन सा बेस पेयर सब्स्टिट्यूट हो जाता है, गैग GAG टू GUG गग। एडिनिन की जगह यूरासिल आ जाता है mRNA में, जबकि DNA में किसका सब्स्टिट्यूशन होता है, T गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय A, यानी कि T की जगह क्या आ जाता है, A आ जाता है, जिससे जो बीटा चेन होती है ऑफ द हीमोग्लोबिन उसकी सिक्स्थ पोजीशन पर अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाता है। तो यूजुअली PMT में कई बार ये सीक्वेंस आ जाता है कि प्रॉपर सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट अमीनो एसिड टू सिक्स्थ अमीनो एसिड तक। तो उसके लिए हम एक सिंपल सा ट्रिक यूज़ करेंगे बेटा। उस ट्रिक में हम लोग लेंगे कि किस तरह से हमें लर्न करना है इसको। तो सिंपली हम एक वर्ड यूज, एक स्टेटमेंट यूज करेंगे, हम यूज लिखेंगे वेल हिज ल्यूसी थ्रो प्रोटीन शेक इन ग्लू। वेल हिज ल्यूसी थ्रो प्रोटीन शेक ग्लू। अब सिंपली अपन को इसको क्या करना है, जैसे वेल मतलब अच्छा है ना, हिज उसकी, ल्यूसी डॉग का नाम है, उसने थ्रो कर दिया प्रोटीन शेक ग्लू के ऊपर। तो इसको हम सिंपली याद रखेंगे वेल VAL हिज HIS हिस्टिडिन, ल्यूसी LEU ल्यूसी, थ्रो से THR, प्रोटीन से PRO, आपको फर्स्ट थ्री अल्फाबेट्स लेने हैं है ना, एंड ग्लू, ग्लू होता है इसका GLU। तो वेल हिज ल्यूसी थ्रो प्रोटीन ग्लू, ऑन ग्लू आ जाता है, सेवेंथ जो दे रखा है वो ग्लू हो रखा है। अब जब उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है तो ग्लूटामिक एसिड की जगह जो म्यूटेटेड होता है उसमें क्या हो जाता है, वेलाइन आ जाता है। तो सिंपली वेल हिज ल्यूसी थ्रो प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन शेक, ओके वेल, तो ये ग्लू की जगह वेल आ जाता है। तो ये आपको सिर्फ लर्न करना है वेल हिज ल्यूसी थ्रो प्रोटीन ग्लू, क्या लर्न करना है, वेल हिज ल्यूसी थ्रो प्रोटीन ग्लू। इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि कौन को क्या सीक्वेंस है किसके अंदर बेटा, अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होता है बीटा ग्लोबिन चेन में। जैसा मैंने बताया था कि अमीनो एसिड जो होते हैं वो यूजुअली 147 अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन बीटा चेन के अंदर, जिसमें से हमारा सिक्स पोजीशन की जो अमीनो एसिड है वो सीक्वेंस चेंज हो जाता है इन सिकल सेल एनीमिया। एंड ड्यू टू दैट चेंज सब्स्टिट्यूशन जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है दैट अंडरगोज पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन एंड कॉजेज द शेप चेंज इन द शेप ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम जो RBCs होती है वो बाइकॉनकेव से इलोंगेटेड सिकल लाइक हो जाती है। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। सबसे पहले चीज आता है कि थैलेसीमिया क्या है। तो थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर का क्या मीनिंग हुआ कि द जीन फॉर द थैलेसीमिया आर प्रेजेंट ऑन द ऑटोसोम, और वो जो जीन म्यूटेटेड है वो किस कैसे है, रेसेसिव इन नेचर है, यानी वो या तो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे या तो नहीं, वो अपने आप को दे कैन एक्सप्रेस ओनली इट्सेल्फ इन द होमोजाइगस कंडीशन, दे कैन नॉट एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। सेकेंड थिंग होता है कि ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है बेटा,
तो नेक्स्ट थिंग आता है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करें, ये रेसेसिव डिसऑर्डर अराइज कैसे हुआ, है ना, हाउ दिस रेसेसिव डिसऑर्डर अराइजेज। तो एक्चुअली दिस अराइजेज ड्यू टू द म्यूटेशन। किसकी वजह से अराइज हुआ है? म्यूटेशन की वजह से ही अराइज हुआ है। और म्यूटेशन में आइदर इट कैन बी डिलीशन, ठीक है, किसकी वजह से हो सकता है बेटा? डिलीशन की वजह से, या उसके अंदर कोई चेंजेस, म्यूटेशन हो गया और डिलीशन हो गया, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू अ न्यू ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कॉल्ड एज थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया में क्या होता है बेटा? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोगों का जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोग्लोबिन 4 ग्लोबिन चेन बाइंड रहते हैं विथ आयरन, जिसमें 2 अल्फा प्रोटीन होते हैं, ग्लोबिन चेन होती हैं, और 2 बीटा ग्लोबिन चेन होती है बेटा। अब अल्फा ग्लोबिन चेन बनने के लिए अलग जीन्स होते हैं, बीटा ग्लोबिन चेन बनने के लिए अलग जीन्स होते हैं। तो हम सिंपली ये देखते हैं कि अल्फा ग्लोबिन, तो मैं पहले इनको थैलेसीमिया को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड करती हूँ कि यूजुअली लोगों को जो थैलेसीमिया होता है वो कौन कौन से टाइप का हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया, थैलेसीमिया कैन बी ऑफ 2 टाइप। वन इज अल्फा थैलेसीमिया एंड सेकेंड इज बीटा थैलेसीमिया। अब अल्फा थैलेसीमिया ऑटोमेटिकली इंडिकेट कर रही है क्या डिफेक्टिव होएगा बेटा? हेयर यहाँ पे डिफेक्टिव अल्फा ग्लोबिन चेन बनेगी। अब डिफेक्टिव क्यों बनेगी बेटा? क्योंकि ये जो ग्लोबिन चेन है उसका रिड्यूस रेट हो जाएगा, यानी कि रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ अल्फा ग्लोबिन। यहाँ पे तो अल्फा ग्लोबिन जो है वो रिड्यूस रेट में हो गई बेटा। बीटा थैलेसीमिया में रिड्यूस्ड रेट ऑफ बीटा, रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। अब बेटा ये जो अल्फा थैलेसीमिया के लिए जो जीन्स हैं, अल्फा जीन्स, जो अल्फा प्रोटीन बनाने के लिए जो जीन्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 16। कौन से क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है? 16 पर। बीटा थैलेसीमिया के लिए जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, बीटा जीन, वो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम नंबर 11। किस पर बेटा? अल्फा के लिए 16 पर और बीटा के लिए 11 पर। बेटा अल्फा जो ग्लोबिन चेन बनती है दैट इज कंट्रोल्ड बाय 2 पेयर ऑफ जीन, 2 पेयर ऑफ क्लोजली लिंक्ड जीन। मैंने यहाँ पे जो चीज़ बोली है उसको आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से देना है कि एक तो 2 पेयर है बेटा और दूसरा वो दे आर क्लोजली लिंक्ड, ठीक है, और इसके अंदर ओनली 1 पेयर ऑफ जीन इज रिस्पॉन्सिबल, और 1 पेयर ऑफ जीन विच इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल्टी प्रोडक्शन और द लेस सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। अब हम लोग आते हैं बेटा कि किस तरह से इसके अंदर फॉल्टी प्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज होती है। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक 16 क्रोमोसोम बता रही हूँ बेटा। किसी भी इंडिविजुअल में सपोज ये 16 नंबर का क्रोमोसोम है, हमें एक क्रोमोसोम हमारे पेरेंट फादर से आता है, 1 क्रोमोसोम्स कम्स फ्रॉम मदर, ओके। तो वन ऑफ द जीन क्लोजली लिंक्ड बताए हैं बेटा, कौन से वाले बता रही हूँ मैं? क्रोमोसोम नंबर 11, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 11 जो क्या बनाएंगे?
अल्फा ग्लोबिन। तो एक तो ये जीन है बेटा, तो वो ही उसका होमोलोगस ऑल्टरनेटिव एलील यहाँ पे प्रेजेंट होएगा, और दूसरा जो प्रेजेंट है वो इसी के ही पास में। नेक्स्ट, तो दैट इज देयर आर टू पेयर ऑफ, वन पेयर एंड टू पेयर ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्फा ग्लोबिन, दो ग्लोबिन, और दे आर वेरी क्लोजली लिंक्ड। तो द चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज वेरी लेस, बट इट आई एम नॉट सेइंग कि क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं है, क्रॉसिंग ओवर होता है बट द चांसेस इज वेरी लेस। ओके, जबकि ये क्रोमोसोम नंबर 16 पर होता है बेटा, सॉरी, अल्फा ग्लोबिन चेन के लिए क्रोमोसोम नंबर 16 पर प्रेजेंट है, और टू पेयर ऑफ जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस विच आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। बीटा ग्लोबिन बनने के लिए, बीटा ग्लोबिन बनने के लिए जो जीन प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पर, और ये केवल एक सिंगल पेयर ऑफ जीन प्रेजेंट होता है। तो सपोज अ सिंगल पेयर ऑफ जीन इज प्रेजेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। तो अब ये हम मान के चलें कि अगर किसी को अल्फा थैलेसीमिया है, तो अल्फा थैलेसीमिया होने के लिए इन चारों के अंदर म्यूटेशन, म्यूटेटेड जीन उसे मिलना चाहिए। द इंडिविजुअल शुड गेट म्यूटेटेड जीन फ्रॉम ऑल द फोर, चारों के लिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी एक में भी हुआ तो बेटा बाकी ये नॉर्मल सिंथेसाइज करेंगे बीटा ग्लोबिन, जब ये बाकी नॉर्मल बीटा ग्लोबिन सिंथेसाइज करेंगे तो देन देयर विल बी नो थैलेसीमिया मेजर। लेकिन इसके अंदर अगर ये फॉल्टी हो गए तो ये दैट में रिजल्ट्स इनटू द थैलेसीमिया मेजर। यूजुअली थैलेसीमिया जो डिजीज होती है व्हेन बोथ द फॉल्टी जीन्स कम्स इन द इंडिविजुअल, जब दोनों ही फॉल्टी जीन्स किसी इंडिविजुअल में आ जाते हैं तो दैट रिजल्ट्स इनटू द थैलेसीमिया मेजर। इसकी वजह से जो थैलेसीमिया होता है वो होता है थैलेसीमिया माइनर, और इसकी वजह से जो बीटा ग्लोबिन चेन की वजह से जो होता है, यानी क्रोमोसोम नंबर 11, क्योंकि सिंगल क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो अगर एक ही ऑप्शन है और वो भी खराब हो जाए तो दैट में रिजल्ट्स इनटू द थैलेसीमिया मेजर। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग कि हाउ इट इज़ ट्रांसमिटेड, यानी हाउ द इंडिविजुअल गेट थैलेसीमिया। तो इफ पेरेंट आर हेट्रोजाइगस, पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस, अगर पेरेंट्स क्या है बेटा, हेट्रोजाइगस है, किसके लिए, फॉर थैलेसीमिया, मैंने पहले ही बताया है रेसेसिव डिसऑर्डर है। तो अगर मैं इसको ले लेती हूँ कि हम ये बीटा ग्लोबिन चेन है तो हीमोग्लोबिन के लिए, एच बी हीमोग्लोबिन बनने के लिए अगर थैलेसीमिक है, तो एक तो हो गया बेटा कि हम नॉर्मल ले लें, और इधर ये हम ले लें दूसरा, या बेटर है क्योंकि एच बी एन और एच बी लेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो विद द सिकल सेल एनीमिया, बेटर आई शुड से अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन के लिए। तो अगर अल्फा ग्लोबिन चेन के लिए हम लोग ले रहे हैं तो सिंपली अल्फा के लिए मैं वर्ड यूज़ करूँगी ए, अल्फा के लिए आई विल यूज़ वर्ड ए, और बीटा के लिए आई विल यूज़ बी। तो अल्फा एक तो नॉर्मल है बेटा, और एक अल्फा किसका है, म्यूटेटेड है, तो म्यूटेटेड के लिए, म्यूटेटेड है तो यानी कि दैट कॉजेज द थैलेसीमिया, तो आई कैन यूज़ टी, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये सपोज मदर है, आई एम टेकिंग फादर ऑल्सो विच इज ऑल्सो हेट्रोजाइगस, नाउ दे विल प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ ओवा, वन विद द नॉर्मल ग्लोबिन चेन, जीन फॉर द नॉर्मल ग्लोबिन चेन, अदर फॉर द डिफेक्टिव। हेयर ऑल्सो 50% ऑफ द स्पर्म विद द नॉर्मल ग्लोबिन चेन जीन एंड 50% विद द डिफेक्टिव। नाउ इफ दिस गेट फ्यूज विद दिस,
तो द पॉसिबिलिटी ऑफ द सन और द डॉटर वॉट एवर द ऑफस्प्रिंग इज विल बी नॉर्मल. इफ इट गेट फ्यूज विद दिस तो दिस इज ए एन एंड ए टी. दे आर नॉट थैलेसीमिक, दे आर नॉर्मल फिनोटिपिकली, ठीक है, बट कैरियर. तो ये फिनोटिपिकली नॉर्मल है लेकिन कैरियर है जीनोटिपिकली. इफ दिस गेट फ्यूज विद दिस अगेन ए एन और ए टी दैट इज ऑल्सो फिनोटिपिकली अपीयर नॉर्मल बट जीनोटिपिकली इट इज कैरियर. एंड इफ इट गेट फ्यूज विद दिस तो एडिनिन सॉरी ए अल्फा चेन थैलेसीमिया देन दिस पर्सन विल सफर फ्रॉम थैलेसीमिया. इसको क्या होगा बेटा, थैलेसीमिया होगा. तो कई बार ये यूजुअली वही डिजीज है जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो अगर माइनर भी हैं, माइनर सॉरी इफ दे आर हेट्रोजाइगस तो द ऑफस्प्रिंग वन ऑफ द ऑफस्प्रिंग यानी ओनली 25% चांसेस है फॉर द ऑफस्प्रिंग टू बी थैलेसीमिया मेजर, ठीक है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल अपीयर नॉर्मल. ठीक है बेटा, हम लोगों के बॉम्बे में वन फैमिली वॉज देयर, उनकी फर्स्ट बेबी वॉज वेरी हेल्दी और सेकेंड जब उनके किड हुआ बेटी हुई तो उसको थैलेसीमिया मेजर था. अब थैलेसीमिया मेजर है तो दे जस्ट विजिटेड टू द डॉक्टर, दे जस्ट व्हेन शी वाज अराउंड 4 to 5 months ओल्ड देन शी केम देन दे केम टू नो. तो उन लोगों ने वो देखा कि भाई किस वजह से है, तो देन डॉक्टर्स टोल्ड दैट बोथ द पेरेंट्स वर थैलेसीमिया कैरियर, दोनों ही पेरेंट्स थैलेसीमिया कैरियर थे. और लेकिन फिर उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया गया. डोनर में कौन बना बेटा, उसकी बड़ी सिस्टर. शी वॉज 3 years ओल्ड एट दैट टाइम एंड शी वॉज डोनेटेड. तो उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ और उसका थैलेसीमिया कम्प्लीटली क्योर हो गया. अब लेकिन यूजुअली बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि थैलेसीमिया क्योर हो. तो यूजुअली नेचर में थैलेसीमिक जीन्स के इंडिविजुअल बहुत कम मिलते हैं बिकॉज बाय द एज ऑफ 18 इनकी डेथ हो जाती है. इसलिए नेचर में हम ये नहीं कह सकते कि कोई पेरेंट थैलेसीमिया मेजर है. तो दिस इज अबाउट द थैलेसीमिया. नाउ वन मोर थिंग विच कम्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड आई हैव टू एक्सप्लेन इट. यूजुअली बोर्ड एग्जाम में किस तरह से आता है क्वेश्चन, तो वो जो क्वेश्चन आता है बेटा वो सिंपली इस तरह से आता है. जैसे मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से टाइप से एग्जाम में आते हैं. एक तो क्वेश्चन आया था बेटा कि सिकल सेल एनीमिया नहीं, हाउ सिकल सेल एनीमिया डिफर फ्रॉम थैलेसीमिया, कि सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में क्या डिफरेंस है. तो मैं यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया लेती हूँ बेटा और यहाँ पे मैं थैलेसीमिया लेती हूँ. सबसे पहले चीज तो बेटा डिफरेंस हमें देखना है कि क्या डिफरेंस है सिकल सेल एनीमिया के अंदर और इसके अंदर. तो सिकल सेल एनीमिया जो होता है दैट अकर ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन. पहली चीज है सिकल सेल एनीमिया अकर ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन किस पर, ऑन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन. जबकि थैलेसीमिया आकर ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन किस किस पर बेटा, ऑन अल्फा चेन पर भी म्यूटेशन होता है बेटा एंड अल्फा एंड बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन. अब इसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन होगा उसका शेप चेंज हो जाएगा बेटा. वो पॉलीमराइज होके ऑक्सीजन लो ऑक्सीजन टेंशन में पॉलीमराइज होके इट विल बिकम सिकल शेप. कैसा बन जाएगा, सिकल शेप बन जाएगा अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन. यानी कि
इसकी क्या चेंज हो गई बेटा, क्वालिटी, क्वालिटी चेंज हो गई। ये म्यूटेटेड जीन है और अल्फा और बीटा दोनों पर प्रेजेंट है, तो इनके अंदर क्या चेंज हो जाती है बेटा, हमने कहा था लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन, चाहे अल्फा है या बीटा है, अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन प्रोटीन, तो लेस सिंथेसिस हो रहा है, तो नेचुरली ये कौन सा केस हुआ, क्वांटिटी। क्वांटिटी लेस हो गई बेटा, तो हम ये कह सकते हैं कि सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, वाइल थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। कि ये तो जो थैलेसीमिया है वो तो क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है बेटा, और एनीमिया जो है वो कैसा है, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। तो थैलेसीमिया और ये दोनों कैसे डिफरेंस हुए, कि क्वांटिटेटिव यानी कि दे आर सिंथेसाइजिंग लेस प्रोटीन और लेस ग्लोबिन चेन, जबकि सिकल सेल एनीमिया में उतने ही बन रही है हीमोग्लोबिन, लेकिन हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, कब बेटा, अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन। ठीक है, अगर जैसे सपोज मुझे सिकल सेल एनीमिया के लिए, मैं हेट्रोजाइगस हूँ या होमोजाइगस हूँ, इफ आई एम सिटिंग नॉर्मली देन देर इज नो प्रॉब्लम विथ मी हेट्रोजाइगस कंडीशन में, बट इफ आई विल डू रिग्रस वर्क, मैं बहुत ज़्यादा काम करूँ, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करूँ, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होएगी मेरी बॉडी में, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होएगी तो नॉर्मल डिस्क शेप आरबीसी से सिकल शेप आरबीसी बन जाएगी और वो क्वालिटी चेंज हो जाएगी, और दैट इज द क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, यानी क्वालिटी में चेंज हो जाता है किसके अंदर बेटा, सिकल सेल एनीमिया में, कि क्वालिटी चेंज हो गई, जिससे कि फंक्शनल जो हीमोग्लोबिन है उसकी क्वालिटी चेंज हो गई। हीमोग्लोबिन उतना ही रहेगा लेकिन उसकी क्वालिटी चेंज हो गई। यहाँ पे सिंथेसिस ही कम हुआ है ग्लोबिन चेन, अल्फा और बीटा डिपेंड्स किसके ऊपर हुआ है, तो उसके अनुसार इसकी क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। तो दिस इज अबाउट द क्रोमोसोमल और रिसेसिव डिसऑर्डर। लास्ट जो डिसऑर्डर है आई एम जस्ट टेकिंग विद इट, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं है इनके साथ में, एंड दैट इज द फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये डिसऑर्डर आपको सुना सुना लगता होगा बेटा, अगर आपको याद हो, रिकॉल करो, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया बेटा हम लोगों ने कब लिया था, फिनाइल कीटोन्यूरिया हम लोगों ने लिया था बेटा, जिसके अंदर हमने कहा था, सॉरी, प्लियोट्रॉपी, याद है, व्हाट इज प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी में कि वन जीन मैनी फेनोटिपिक कैरेक्टर, कि एक जीन से बहुत सारे फिनोटिपिक कैरेक्टर बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी को हम शो करना चाहें तो सपोज वन जीन इज प्रेजेंट ओवर हेयर विच शोज प्लियोट्रॉपिज्म, तो एक जीन प्रेजेंट है बेटा, और इस एक जीन से एक फिनोटाइप, फिनोटाइप वन, फिनोटाइप दो, सेकेंड फिनोटाइप थ्री, बहुत सारे फिनोटिपिक बन सकते, तो वन जीन मैनी फिनोटिपिक कैरेक्टर इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपिज्म। प्लियोट्रॉपिज्म में हमने फिनाइल कीटोन्यूरिया लिया था, तो नाउ आई एम जस्ट टेक कि फिनाइल कीटोन्यूरिया में होता क्या है। तो मैंने पहले भी बताया था बेटा, इट इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये क्या है, इनबॉर्न एरर है किसका बेटा, मेटाबॉलिज्म का, मेटाबॉलिज्म चेंज हो रहा है, और इसको डिस्कवर करा था बेटा गैरॉड। सो गैरॉड इज कॉल्ड एज फादर ऑफ
बायोकेमिकल जेनेटिक्स, बायोकेमिकल जेनेटिक्स के या बायोकेमिकल जेनेटिक्स के फादर हैं कौन बेटा? गेरोड। अब सिंपली अपन को इसमें ये देखना है कि होता क्या है फिनाइल क्यूटोन्यूरिया में। तो फिनाइल क्यूटोन्यूरिया भी कैसा डिसऑर्डर है बेटा? दिस इज ऑल्सो एन ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। ये भी ऑटोसोम्स में ही रेसेसिव जीन की वजह से है, तो नेचुरली अफेक्टेड इंडिविजुअल पर क्या होगा बेटा? हेट्रोजाइगस कंडीशन में अफेक्टेड नहीं होगा, ओनली इन द होमोजाइगस कंडीशन द पर्सन विल गेट दिस डिजीज। अब ये डिजीज होती है तो क्या हो जाता है बच्चे? तो सिंपली अगर अपन लोग लेते हैं कि क्या होता है, तो फिनाइल क्यूटोन्यूरिया में आई जस्ट टोल्ड यू कि अफेक्टेड इंडिविजुअल में वन एंजाइम इज लैकिंग। कौन सा एंजाइम लैक होता है बेटा? तो दैट इज फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सीलेज, फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है बेटा? ये एंजाइम फिनाइल एलेनाइन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में। मैंने बताया था तब जब प्लियोट्रोपिज्म की, वापस से वीडियो देखना, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम। अब अगर ये एंजाइम नहीं प्रेजेंट है तो फिनाइल एलेनाइन विल नॉट कन्वर्ट इनटू टायरोसिन। टायरोसिन आगे बहुत मेटाबॉलिक प्रोसेस में काम में आती है बेटा, लेकिन अगर टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट होगा तो दिस फिनाइल एलेनाइन गेट एक्यूमुलेटेड इन आर बॉडी। तो ये एक्यूमुलेट हो जाती है। अब ये फिनाइल एलेनाइन जो होता है एक्यूमुलेट होता है और साथ में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिनाइल पाइरूविक एसिड में, फिनाइल पाइरूविक एसिड। एंड इसके दूसरे डेरिवेटिव्स भी होते हैं, अदर डेरिवेटिव्स आल्सो। अब ये सारे डेरिवेटिव हमारे पर्सन की ब्रेन में, स्किन में कलेक्ट होने लग जाते हैं बेटा, तो उसकी वजह से मैं रिजल्ट इनटू द मेंटल रिटार्डेशन। टायरोसिन जो होता है इट इज फर्दर हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ मेलेनिन पिगमेंट, और मेलेनिन पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। इफ द पर्सन सफर फ्रॉम फिनाइल क्यूटोन्यूरिया तो उसके स्किन कलर कैसा होएगा बेटा? स्किन और हेयर लाइट कलर के होंगे, और स्किन में जब मेलेनिन पिगमेंट नहीं होगा तो दैट में सफर फ्रॉम स्किन डिजीज एक्जिमा। तो ये एक जीन है, एक जीन की वजह से बहुत सारे, पहला इफेक्ट तो हुआ नो सिंथेसिस ऑफ फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सीलेज, दूसरा हुआ मेंटल रिटार्डेशन, अब इसको हमारी बॉडी रख नहीं पाती, किडनी इन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो फिनाइल एलेनाइन एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट द अनादर मेंडेलियन डिसऑर्डर दैट इज फिनाइल क्यूटोन्यूरिया। तो अभी तक हमने जो मेंडेलियन डिसऑर्डर करे हैं बेटा, वो सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर दो तरह के मेन करे हैं। वन इज द सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसके अंदर सेक्स लिंक्ड में हम लोगों ने हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस किया है, और दूसरा बेटा हमने किए हैं ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। और ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर में वी जस्ट डिड सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल क्यूटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया। तो दीज आर द मेंडेलियन डिसऑर्डर। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। थैंक यू।